करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा गया? ए बी सी ये जो है वो एपी में है और बी सी डी ये जीपी में है। और एक चीज़ दिया गया है 1/C, 1/D और 1/E ये भी क्या है? एपी में है। तो प्रूफ करना है कि ए सी और ई जो होगा वो जीपी में होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, एपी में गिवन है, ठीक है ना, एपी में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं B-A इज इक्वल टू C-B। और इससे एक और कंक्लूजन निकलेगा कि 2B इज इक्वल टू A+C हो जाएगा। दूसरा, अगर GP के बारे में बात करें तो C/B और D/C ये इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं C² इक्वल टू BD। और ये जो AP में बोला है फिर से, इसको AD 1/D माइनस 1/C इज इक्वल टू 1/E माइनस 1/D लिख देंगे। और इससे एक और कंक्लूजन निकलेगा, D को एक साइड कर लेता हूँ, 2/D इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। और LCM ले ले, अच्छा बाद में इसको ले लिया जाएगा, इसको थर्ड लिख के छोड़ देते हैं। तो जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है, क्या है ये? C/A इज इक्वल टू E/C, ये हमको प्रूफ करना है। यानी कि हम लोग को प्रूफ करना है C इक्वल टू AE या EA, ये हम लोग का प्रूफ करने का है। अगर हम लिखते हैं फ्रॉम 3 क्या लिखा, 3 लिखा गया है 2/D इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/E। अगर LCM ले लेता हूँ, ई प्लस सी डिवाइडेड बाई CE और ये हो जाएगा 2/D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2CE इज इक्वल टू ई प्लस सी और एक D। अब D कहाँ से लाएंगे? D यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यूज चाहिए वो क्या चाहिए? CE और A चाहिए, D एक्स्ट्रा पार्ट है। तो D का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? C²/B लिख सकते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2CE इज इक्वल टू ई प्लस सी और D का वैल्यू है C²/B। तो एक C कैंसिल हो गया, B को उठा के इधर ले आए, तो B को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2EB इज इक्वल टू ई प्लस सी और एक बाहर में C लिखा है। अब फिर से B आ गया, अब B के लिए क्या करना होगा? B यहाँ से लिख सकते हैं, 2B को क्या लिख सकते हैं? A प्लस सी लिख देते हैं और ये है E, C को अंदर कर दूँ क्या हो जाएगा? EC प्लस C² हो जाएगा और E को अंदर कर देंगे क्या हो जाएगा? AE प्लस CE और लो CE EC कैंसिल हो जाएगा और ये बचा AE इक्वल टू C², ठीक है। लिख देना रीज़न कहाँ से आया है, फ्रॉम 1, और यहाँ पे D का जो वैल्यू लिखे थे वो कहाँ से आया था? फ्रॉम 2। ये प्रूफ करना था हम लोग को, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखते हैं क्या लिखा गया है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, बिट वन लिखा है 5 + 5 5 5 5 5 ……. nth टर्म तक का सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अगर ये 6 रहता या 7 रहता या कुछ भी लिखा रहता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? अगर 6 रहता तो क्या होता? 6 कॉमन आ जाता। अभी फिलहाल 5 है तो हम लोग क्या किए, 5 को कॉमन ले लिए। उसके बाद इसको 9 से इंटू और डिवाइड करना है। क्यों कर रहे हैं 9 से इंटू और 9 से डिवाइड? क्योंकि ये 9 को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 9 + 9 + 9 + 9 + 9 ठीक है। अब ये 9 को हम लोग 10 लिख सकते हैं और -1, और 99 को 100 -1 और 1000 -1 लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो 10, 100 और 1000 वाला पार्ट है वो सेपरेट करके हम लोग एक GP बना सकते हैं, ठीक है। और ये माइनस वाला जो पार्ट है, -1 -1 -1 करके जो है nth टाइम तक, इसको हम लिख सकते हैं 1 × n। क्यों? क्योंकि -1 -1 क्या हो रहा है,
माइनस वन करके ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी को एक रुपया उधारी दे रहे हैं, 10 दिन तक देंगे तो 10 रुपया हो जाएगा, तो एन टाइम्स तक अगर दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एन। इसका क्या, ये तो एक जीपी है, कैसे देखो 10 का इंक्रीमेंट आ रहा है यहाँ पे, 10 टाइम्स बढ़ रहा है ना। A2/A1 करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, आर का वैल्यू 10 मिलेगा। तो मतलब ये क्या है, जीपी आ रहा है। अब SN के बारे में बात आ रहा है, तो SN में हम लोग का जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करेंगे ग्रेटर देन वाला। क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू क्या आया अभी, 10 आएगा। A2/A1 करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 10 मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे अगर लिखें तो ये क्या बनेगा, ए का वैल्यू 10 और आर चाहिए, आर का वैल्यू भी 10 होगा, पावर में एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, और ये वाला माइनस में तो है ही ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको और क्या कर सकते हैं, इसको सामने लिख देते हैं 1 into n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये है 5/9, ये है 10, ये है 10 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9, और ये हो गया माइनस n, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 21 का बिट 2 देखते हैं। 21 का बिट 2 में क्या लिखा है, 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, इस तरह से ये nth टर्म तक जा रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ना, बस खाली यहाँ पे पॉइंट में दिया गया, तो पॉइंट में दिया हो तो इसको क्या करना है, पॉइंट के लिए सबसे पहले सेम चीज जो कर रहे थे हम लोग वही काम करेंगे। क्या किए थे हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसमें से 6 को कॉमन ले लेंगे, 6 को कॉमन लेने के साथ क्या मिलेगा, 0.1 थ्री टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, और क्लोज कर देते हैं। अब वही काम क्या कहते हैं, 9 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम लोग मल्टीप्लाई को भी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.9, ठीक है, 0.99, ये 0 है nth तक। उसके बाद क्या होगा, 6/9 है, 0.9 को हम लोग पहले पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देता है, 99/100 और 999/1000 nth तक, ठीक है। अब क्या करें, 9 को तोड़ते हैं जैसे पीछे किया थे हम लोग, 6/9, इसको लिख देते हैं 10 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1, और ये 1000 माइनस 1, ये nth टर्म तक जाएगा। अब सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करने पर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10/10 -1/10 +100/100 -1/100 +1000 -1/1000 -1/1000, ये क्लियर है ना, डॉट 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 nth टर्म तक जाएगा। अब क्या करें, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये भी कटेगा, बाकी सब भी वैसे क्या होगा, कट जाने के बाद क्या मिलने वाला है हम लोग को, 1 + 1 + 1 करके nth टर्म तक मिलेगा, और जो रेस्ट बच रहा है वो क्या है, -1/10 -1/100 और -1000, सही है। तब क्या होगा, 6/9, इसको n लिख देते डायरेक्ट, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट n लिख देते हैं, कैसे होगा पता है ना, 1 करके n टाइम्स हो रहा, तो 1 into n लिखो या n लिखो। दूसरा ये जीपी का पार्ट है, मगर यहाँ पे दूसरा जीपी का फॉर्म लगेगा, कौन सा, SN, SN यहाँ पे लगने वाला है, a 1 - r का पावर n 1 - r, क्यों, जो रेशियो आने वाला है हम लोग का, रेशियो क्या, A2/A1, A2 क्या है, 1/100 / 1/10, तो इसका क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है, तो r का वैल्यू क्या है, लेस देन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम माइनस को पहले कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, कॉमन निकाल के पहले लिख लेते हैं, एक लाइन, 10 + 100 1000। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो गया हम लोग का, 6/9
और ब्रैकेट ओपन एन माइनस, ये वाला सीरीज में पुट करते हैं, ए का वैल्यू 1/10, 1 माइनस आर का वैल्यू भी तो 1/10 ही है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10, ठीक है, ये क्लोज। अब इसको लिख देते हैं 6/9, 6/9 को ना अंदर कर देते हैं, तो 6/9 इंटू एन हो जाएगा, और ये है 6/9, और पहले से 1/10 प्रेजेंट है ऊपर में, और इसको 10 का पावर नेगेटिव एन लिख देते हैं, ये ऊपर चल जाएगा तो 10 का पावर नेगेटिव एन, ये वाला पार्ट इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9/10 होगा ना, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद 9/10 आएगा, तो ऊपर कर देंगे तो 10/9। अब ये तो 10 कट गया यहाँ से, इसको 2 से काट देते हैं, नहीं 3 से, 3 2 3 2 3 2 6 और 3 3 9, तो ये भी कटेगा 2/3, तो ये 2/3 एन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/9 × 3 27, ये 9 भी है ये 3 भी, 27, ब्रैकेट ओपन 1/10 − n, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा है, देखते हैं आंसर क्या है। 21 का 2 2n/3 −2/27 1 − 10 का पावर − n, सही है, ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या बोला गया है, बोला गया है कि फाइंड द 20th टर्म, हम लोग को 20th टर्म फाइंड करना है, और जो सीरीज दिया गया है 2 × 4 + 4 × 6 + 6 × 8 और ये चल रहा है nth टर्म तक, तो इसका हम लोग को सीरीज का 20th टर्म फाइंड करना है, सम तो नहीं बोला है, सिर्फ टर्म बोला है क्या, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं an का, an क्या होगा आखिर, ये सीरीज तो ज्यादा ही इजी है, क्योंकि यहां पे देखो पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 4 है, फिर ये 4 है, ये 6 है, इसका मतलब है पहला वाला जो है वो 2n लग रहा है, n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 पुट करने पे 2 मिल जाएगा, 2 पुट करने पे 4, 3 पे 6, और दूसरा वाला जो टर्म है वो +2 हो रहा है, देख रहा है, ये 4 था, ये 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ठीक है, तो ये हम लोग का सीरीज हो गया, मतलब n टर्म्स हो गया, ठीक है, जो nth टर्म होगा वो ये होगा, तो हम लोग को सिंपल इसमें क्या करना है, 20 पुट कर देना है, 20 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 प्लस 2, तो 42, तो 42, 4 2 8, 4 4 16, ये हम लोग का ए 20 हो जाएगा, देखिए आंसर क्या है, वन 6 8 0, सही है, सीरीज और एक सीरीज दे दिया गया है, nth टर्म तक का सम निकालना है, यानी sn निकालना है हम लोग को, बट सीरीज जो दिया गया है वो कुछ अलग ही है, 3 7 13 21 31, और ये nth टर्म तक जाएगा, तो इस सीरीज का हम लोग को क्या करना है, sn फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, एक काम करते हैं, इसको कुछ बनाने का कुछ स्टेप्स है, जैसे इसको s ले लेना है पहले, ठीक है, s लेके इसको क्या करना है, पूरा को s ले लिया, और ये जो टर्म खत्म हो रहा है वो कहां पर खत्म हो रहा है, ए एन पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा हम लोग का, ए एन माइनस वन होगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म एक कम होगा ना, ठीक है, तो हम लोग को एक और सीरीज सेम एस लेना है, ठीक है, और उसमें जो टर्म्स लिखेंगे, एस मतलब तो वही जो ऊपर जो लिखा गया है वही हम लोग का क्या है, एस है, ठीक है, और ये जो टर्म है वो कुछ इस टाइप का फॉर्म में लिखाएगा, ठीक है, सेम एस को ही लिखे हैं बट क्या किए, एक स्टेप आगे करके लिखे हैं, ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है, सेम चीज है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो एस माइनस एस क्या मिला, 0, 3 तो किसी के साथ माइनस नहीं है, मान लेते हैं यहां पे 0 है, तो 3, ये 7 माइनस होगा 3 के साथ, और 13 माइनस होगा 7 के साथ, 21 माइनस होगा 13 के साथ, और 31 माइनस होगा 21 के साथ, ऐसे चलेगा, और लास्ट वाला जो होगा ये वाला लास्ट वाला ए एन माइनस होगा ए एन माइनस वन के साथ, और ये जो प्लस में है ये माइनस बचेगा क्योंकि सेकंड वाला टर्म है, ए एन बचेगा लास्ट, ये ठीक है, इस ए एन को उठा के इधर ले आएंगे, क्लियर, ये क्या है 3, ये वाला माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6, ये 8, और एस ऑन, और ये वाला जो टर्म है ये क्या हुआ, एक छोड़ के हम लोग माइनस किए ना, तो
तो मतलब यहां से यहां तक जब हम लोग माइनस किए तो ये क्या होगा, टोटल हम लोग का टर्म एन माइनस वन टर्म होगा, ठीक है। टोटल एन टर्म्स था, एक छोड़ के हम लोग जब माइनस किए तो क्या होगा, एन माइनस वन। अब ये तो थ्री है, ये यहां से यहां तक एक केपी है, चेक करो ए फोर, टू टू का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग यहां पे Sn का जो फॉर्म यूज करेंगे, Sn क्या होता है, Sn हम लोग का क्या है, Sn इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट ओपन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए, तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं। तो n की जगह में लिख देंगे n माइनस वन बाई टू और a की जगह में हम लोग यूज करेंगे टू, तो फोर टू जो एट हो जाएगा प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू हो जाएगा, क्यों, यहाँ एन माइनस वन है और रूल के हिसाब से एक और माइनस वन लगता है तो माइनस टू हो जाएगा, डी का वाला क्या टू। तो फाइनली ये कितना हो गया, एन इक्वल टू थ्री प्लस एन माइनस वन बाई टू और ये अंदर वाला टू को अंदर मल्टीप्लाई किए एट प्लस टू एन माइनस टू, तो ये एन बाय टू और यहाँ से अंदर से टू को कॉमन निकाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा सिक्स होगा ना, तो सिक्स होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिक्स टू टू सा फोर होगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा फोर, तो टू कॉमन निकाल दिए तो टू प्लस एन बचेगा, ठीक है, ये टू दोनों के पास गया तो माइनस फोर हो गया, ठीक है, और इसको इसको माइनस किए तो क्या बचा टू और ये टू कट जा रहा है यहाँ से, अब प्लस में थ्री भी है, तो फाइनली जो ए एन आ रहा है वो है थ्री प्लस एन माइनस वन और एन प्लस टू बोल देते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं थ्री प्लस एन को अंदर करूँ एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन माइनस टू। तो इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये ए एन है, यहाँ कितना हो रहा है थ्री और टू, थ्री और टू क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको माइनस कर दिए, कितना बचा वन बचा प्लस एन स्क्वायर प्लस एन, तो ये बच गया हम लोग का ए एन। अगर हम इसमें सिग्मा लगा दें तो सिग्मा ए एन हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। अब सिग्मा का बात आ गया तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, सिग्मा एन का होता है एन एन प्लस वन बाई टू, सिग्मा एन स्क्वायर का होता है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स और सिग्मा एन क्यूब जो होता है वो होता है एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्यूब का तो कोई काम नहीं है बट स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको तो एस एन बोल देंगे, सिग्मा सिग्मा वन तो एन होता है उसका कोई काम नहीं है, एन स्क्वायर क्या एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स और सिग्मा एन कितना है एन एन प्लस वन बाई टू, क्लियर। अब एन को कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे क्या होगा, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा एन प्लस वन और टू एन प्लस वन बाई में सिक्स और यहाँ है एन प्लस वन बाई टू, एलसीएम भी ले लेते हैं ठीक है ना साथ में, तो एलसीएम लेंगे तो सिक्स आएगा, यहाँ सिक्स लिख देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो कितना बनेगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और यहाँ कितना है n प्लस नहीं 3n हो जाएगा ना ये तो, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 3n होगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं ना, तो 3n प्लस 3 हो जाएगा ये, तो ये हो गया n और 6 जो है बाहर में 6 लिख देते हैं, ये है 6 और ये है 3 और ये है 1, 6 3 और 1 मिलकर 10 बन गया प्लस 2n स्क्वायर का तो कुछ किसी के साथ आया नहीं, ये हो गया ये हो गया और ये हो गया, तीन और दो पाँच और एक छ, ठीक है ना, तो लिख देते हैं सिक्स एन, टू को कॉमन निकल के काट देते हैं तो बचेगा क्या एन बाई थ्री, यहाँ बचेगा फाइव प्लस एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आया, एक बार आंसर मिला लेते हैं, क्या आंसर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर है एन बाई थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस फाइव, हाँ आगे पीछे, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया 23 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 24th नंबर में क्या बोला गया, 24 नंबर लिखा गया है कि S1, S2 और S3 आर द सम ऑफ n नेचुरल नंबर देयर स्क्वायर एंड देयर क्यूब्स, मतलब ये नॉर्मल नंबर का यानी कि n n प्लस 1 बाई टू लिख देंगे इसको, और S2 को क्या लिखना होगा, सम ऑफ स्क्वायर बोला है तो n n प्लस वन और 2n प्लस वन लिख देंगे और बाय में सिक्स, क्यूब का क्या होता है n n प्लस वन बाई टू का पावर में स्क्वायर, तो ये तो गिवन है रिस्पेक्टिवली हो गया काम, सो डैट सो क्या करना है 9 S2 स्क्वायर इज इक्वल टू
एस थ्री वन प्लस एट एस वन, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड को एक साइड से उठा लेते हैं। तो पहले काम करते हैं, बड़ा ये वाला दिख रहा है तो इसी को उठाते हैं, राइट हैंड साइड को लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, एस थ्री ब्रैकेट ओपन वन प्लस एट एस वन। अब एस थ्री क्या होता है, एस थ्री तो ये है ना, तो इसको लिख लेते हैं एन, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और वन प्लस एट एस वन क्या है, एस वन ये एन, एन प्लस वन बाई टू, ये क्लियर है। अब तू से ये कट रहा है, इसको काट लो फोर टाइम्स, ये कितना है एन, एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और यहाँ कितना बच रहा है वन प्लस फोर एन, एन प्लस वन। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, एन, एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और ये बचेगा वन प्लस फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन। ये तो स्क्वायर वाला फॉर्म है, टू एन प्लस वन लिख सकते हैं क्या इसको, चेक कर लो, टू की जगह हम ये फोर हो जाएगा क्योंकि अब तो ये स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, चेक कर लो आ ही जाएगा। प्रूफ करना था ये, तो यहाँ नाइन चाहिए ना, और ये होता है इसका फॉर्म, तो सब कुछ ठीक है, नीचे सिक्स नहीं है। तो एक काम करो, अगर हम ऊपर नीचे नाइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एन स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर और टू एन प्लस वन का पावर टू डिवाइडेड बाई फोर हो गया। तो नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को क्या लिख सकते हैं, सिक्स लिख सकते हैं, तो आ गया ये वाला सिक्स। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये नाइन रहने देंगे, इसको लिख देते एन स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर और टू एन प्लस वन का पावर टू और नीचे सिक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नाइन। इसको लिख दो और क्या, एस टू का स्क्वायर कर देंगे, यही तो है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया और क्या, ठीक है। तो ये था हम लोग का 24th नंबर।